हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू ज्ञान प्रभा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है। वर्षा ऋतु यानी कि बारिश के दिन, और बारिश के दिन सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बारिश के दिन यानी कि बरसात के दिनों में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या फिर हेल्दी रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए या फिर क्या नहीं खाना चाहिए, आज मैं इसी विषय पर आप लोगों के समक्ष चर्चा करने वाली हूँ। चर्चा शुरू करने से पहले मैं उन लोगों को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, और जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और सब्सक्राइब करने के लिए किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं लगता है, यह बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन है उसे जरूर क्लिक कर ले। ऐसा करने से मेरे द्वारा बनाए गए हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके समक्ष तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि बारिश के दिनों में यानी कि बरसात के दिनों में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं उसे बढ़िया से उबाल कर, ठंडा करके, छान कर पिए, या फिर जो बाजार में विभिन्न तरह के वाटर प्यूरिफायर या फिर आरओ पाए जाते हैं उनको खरीद कर लाए और उसमें पानी को फिल्टर करके उस पानी का सेवन करें, या फिर आपके घर में फिल्टर है तो फिल्टर किए हुए पानी का सेवन करें। क्योंकि बरसात के दिनों में पानी इतना अधिक दूषित हो जाता है कि दूषित पानी पीने के कारण ही बहुत तरह की बीमारियां होने लगती हैं। अब खाने की बात पे आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं बरसात के दिनों में आकाश में बादल छाए रहने के कारण सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर ठीक से नहीं पहुंच पाती है, जिससे जो पेड़ पौधे हैं उनमें कीड़े मकोड़ों की उत्पत्ति बहुत अधिक होने लगती है। जो किसान भाई होते हैं वे साग सब्जियों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं इनका बहुत अधिक मात्रा में छिड़काव किया जाता है। इसलिए जो साग जैसे कि पालक साग हुआ, सरसों साग हुआ, विभिन्न तरह के जो साग हुए इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। और जो हरे पत्ते वाले सब्जी होते हैं जैसे कि बंधा गोभी, इनका भी सेवन ना करें क्योंकि इनमें भी कीड़े मकोड़े और कीड़े के लार्वा पाया जाता है। इसके अलावा जो फूल गोभी है, बैंगन है, इनमें बहुत अधिक मात्रा में कीड़े पाए जाते हैं। तो इन साग सब्जियों का सेवन करने से हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, शरीर अनहेल्दी हो जाता है। तो इसलिए इन साग सब्जियों का बरसात के दिनों में अवॉइड करना चाहिए, इनका खाने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। यदि आप खाने में इस्तेमाल में ला रहे हैं तो इन साग और सब्जियों को बढ़िया से धोकर और हो सके तो पानी में थोड़ा सा नमक देकर बढ़िया से उबाल कर इसके बाद अच्छी तरह से पकाएं तभी इनका सेवन करें, नहीं तो इन सभी का सेवन ना करें। इसके अलावा अंकुरित चने हुए या फिर अंकुरित अनाज जो अन्य मौसम में हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक हेल्दी होते हैं तो बरसात के दिनों में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप थोड़ी मात्रा में खाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अधिक मात्रा में अपना डाइट में इन्हें शामिल करते हैं तो इन्हें अच्छी तरह से धोकर, उबाल कर, इन्हें पका कर खाएं, कच्चा इनका सेवन ना करें। क्योंकि जो अंकुरित चने या फिर अंकुरित अनाज होते हैं इन्हें अंकुरित होने के लिए हमें एक दिन या फिर दो दिन इन्हें रखना पड़ता है, जिस कारण इनमें बैक्टीरिया उत्पत्ति हो जाती है। तो इनका कच्चा इस्तेमाल करने से हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, पेट खराब हो जाएंगे। इसलिए इनका सेवन करने के लिए इन्हें बढ़िया से धोकर, साफ करके, उबाल कर, इन्हें पका कर खाएं। बरसात के दिनों में हमारी जो पाचन क्रिया है उसकी गति धीमी हो जाती है। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका सही ढंग से पाचन नहीं होने के कारण एसिडिटी और गैस से संबंधित रोग उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर अस्वस्थ होने लगता है। तो हमें वही भोजन ग्रहण करना चाहिए जिसका सहज रूप से पाचन हो जाए। नॉनवेज खाना जो पसंद करते हैं वे बरसात के दिनों में नॉनवेज का सेवन ना करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका जो मांस होता है इनमें जीवाणु तो पाए जाते हैं लेकिन बरसात के दिनों में ये बहुत ज़्यादा संक्रमित हो जाते हैं। तो इसका सेवन करने से हमारा शरीर अस्वस्थ होने लगता है। अगर आपको नॉनवेज खाना है तो कम मात्रा में खाएं और हो सके तो इनका अवॉइड करें। बरसात के दिनों में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक होता है, हमारे पेट को ठंडा रखता है। और बरसात के दिनों में बहुत अधिक मात्रा में नमी होने के कारण दही का सेवन करने से सर्दी, खांसी, कफ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बरसात के दिनों में दही का सेवन ना करें। सब्जियों में जो सब्जी बहुत जल्दी हजम हो जाए ऐसे सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जैसे लौकी, तरोई, परोल, करेला, भिंडी, खीरा, इन सब चीज़ों का सेवन करना हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है।
बरसात के दिनों में चाय और पकौड़े का तो अलग ही मजा है। जो लोग चाय और पकौड़े का लुत्फ उठाते हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोग जो चाय पीते हैं, चाय में आप आदि, गोलमरीच और इलायची इन सब चीज़ों का सेवन करें। इन सब चीज़ों का सेवन करने से सर्दी खांसी और गले का प्रॉब्लम में लाभदायक होता है। और बरसात के दिनों में तले हुए जो सामान होते हैं जैसे कि पकौड़ी, समोसा, ये सब चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि इनका ज़्यादा सेवन करने से एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर बीमार पड़ने लगता है। जो लोग कच्चे सब्जियों का जूस या फिर फलों का जूस पीते हैं, बरसात के दिनों में इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सब्जियों में और फलों में इन बरसात के दिनों में कीड़े मकोड़ों की संभावना बढ़ जाती है, कीड़े अधिक मात्रा में पाए जाने लगते हैं, तो इनका कच्चा सेवन करना सही नहीं होता है। आप सब्जियों का सूप बनाकर पिए, ये शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और बाहर के जो ठेलों में कटे हुए फल पाए जाते हैं उन्हें ना खाएं, क्योंकि आप लोग देखे होंगे बरसात के दिनों में गंदगी चारों तरफ रहती है और इनमें मक्खियां आके बैठती हैं, तो ये मक्खियां बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति का कारण होती है। इसलिए बाहर के ठेलों में जो कटे हुए फल पाए जाते हैं वे लोग बहुत देर तक कटे हुए फल रखे रहते हैं और उन्हें मक्खियां भिनकती रहती है, मक्खियां बैठती हैं, तो ऐसे फलों का सेवन ना करें। अगर आपको फल खाना ही है तो घर में फल लाकर, जब आपको फल खाने का मन करे, आप फल को बढ़िया से धोकर इसे काटकर और साथ ही साथ खा ले। फल को काटकर फ्रिज में रखकर स्टोर ना करें। जैसा कि मैंने बताया कि कटे हुए फलों में बैक्टीरिया उत्पत्ति की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए बरसात के दिनों में कटे हुए फलों को बहुत अधिक देर तक रखकर ना खाएं। बरसात के दिनों में साग सब्जियां और फलों को सही रखने के लिए बहुत अधिक मात्रा में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, तो अच्छा होगा आप जब बाजार से ये फल और सब्जियां खरीद कर लाए तो इन्हें 15 से 20 मिनट तक पानी में बढ़िया से डुबो कर रखें और इसके बाद इसे निकाल कर बढ़िया से पोंछ कर सुखा कर तब आप इसको फ्रिज में रखें। और ज़्यादा सब्जियों को स्टोर करके ना रखें, पानी लगे हुए सब्जियां बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप इन्हें बढ़िया से पोंछ कर सुखा कर ही रखें। इसके अलावा जो हम लोग घर में विभिन्न तरह के दाल होते हैं या फिर विभिन्न तरह के जो सामान है जो स्टोर करके रखते हैं, बरसात के दिनों में बहुत अधिक मात्रा में सामान को स्टोर करके ना रखें। जैसे दाल, चना, बादाम या फिर जो सामान हम लोग स्टोर करके रखते हैं, आप लोग ध्यान दिए होंगे उनमें बहुत जल्दी ही कीड़े लग जाते हैं, चीज़ें खराब होने लगती हैं। बरसात के दिनों में सब समय बारिश गिरने के कारण और सूर्य की रोशनी सही ढंग से ना मिलने के कारण चारों तरफ नमी की मात्रा बढ़ जाती है और चीज़ें खराब होने लगती है, तो बरसात के दिनों में इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके ना रखें। अगर रखें तो जिस पात्र में रखते हैं वे बढ़िया से सूखे होने चाहिए, इनका जो डिब्बा है वो बढ़िया से बंद होना चाहिए। आप हफ्ता भर के लिए सामान स्टोर करके रखें फिर जाके बाजार से ले आए तो ये ज़्यादा सही रहेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने यह जाना कि बरसात के दिनों में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमें किन चीज़ों को खाना चाहिए या फिर किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, अगर खाना भी चाहिए तो किस ढंग से खाना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें कि बरसात के दिनों में अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए उन्हें क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो इस वीडियो को फ्रेंड के पास या फिर अपने रिलेटिव के पास अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। और अगर आप लोगों को कमेंट देना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और फिर से मैं आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। ऐसा करने से मेरे द्वारा बनाए गए हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके समक्ष तुरंत पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।